बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर ऑफ क्लास प्रेप फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल नौशेरा कैंपस। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड इट इज़ गिवन फ्रॉम यूर SVT फॉर द मंथ ऑफ जून। डियर पेरेंट्स, होप दैट यू विल रिसीव द month of June SVT from the school. If you still didn't receive, so kindly visit the school and receive it from the school premises. So we are moving towards the worksheet number 1. Question is, trace and color the shapes. Wow students, here are shapes: circle, square, rectangle and triangle. 4 shapes are given here. What you have to do, you have to do to first trace these shapes, okay? Dot to dot आप लोगों ने क्या करना है, इन shapes को आप लोगों ने tracing करनी है। Then यहाँ पे आप लोगों को की दी हुई है कि आपने किस shapes को कौन सी कलर देनी है। Circle, first one is circle, red color. Square, yellow. Rectangle, green. Triangle, blue. So students, you can see this. Thus, circle will be in red color, square will be in yellow color, rectangle will be in green color, and triangle will be in blue color. So you have to first trace these shapes and then color these shapes. So I am showing now the colors. First one is circle. और circle के लिए हमें कौन सा color given हुआ है, वो है red color. So you have to color the circle by using the method up and down. So for circle you will use red color. Then after circle, square, and for square you have to use yellow color. So by using the method up and down, you will color the square with yellow pencil. Okay, then rectangle shape. रेक्टेंगल शेप को आप लोगों ने किस कलर के साथ, यस, ग्रीन कलर के साथ आप लोगों ने इस रेक्टेंगल को फिलअप करना है। एंड द लास्ट गुड शेप इज ट्राइंगल। यू विल यूज ब्लू कलर फॉर ट्राइंगल। सो ब्लू कलर आप लोगों ने ट्राइंगल को देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्रेसिंग किस तरह से करनी है? ट्रेसिंग आप लोगों ने डॉट टू डॉट करनी है, मींस जैसे कि आपको डॉट गिवन है बिल्कुल प्रॉपर ऐसे सर्कल में राउंड राउंड आप लोगों ने जाना है। ओके पेरेंट्स, आप लोग अपने बच्चों को रूलर भी यूज़ करवा सकते हैं फॉर द स्ट्रेट लाइन शेप्स, कि वो इसकी ट्रेसिंग करे। अदरवाइज आप बच्चे को वैसे भी गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप लोग ट्रेसिंग का जो मतलब है वो है डॉट टू डॉट इनकी कंप्लीशन करना। तो इन शेप्स को बच्चों के साथ नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोगों ने करवाना है। और वन थिंग इज़ दैट कलरिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि कलरिंग जो है वो शेप से बाहर क्रॉस ना करे। यहाँ पे जितने भी मतलब इनके ब्लैक बाउंड्री लाइन है, सिर्फ उनके अंदर ही बच्चे को कलर करवाने की। एंड कलरिंग का जो मेथड है वो है अप एंड डाउन, मीन्स के आप अप एंड डाउन बच्चे को करवाएं या फिर लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह ये होगा कि जो फिनिशिंग होगी कलरिंग की वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी एंड दैट विल बी गिव अ नीट एंड क्लीन लुक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।